नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5 का संस्कृत का पेपर देखेंगे। श्यामा फलानी, इसमें हो जाएगा आनियंतुम, दूसरे वाले में लिखंतुम, तीसरे वाले में पश्यंतु, चौथे वाले में श्रणोतुम, दुग्धम पिबंतु, पिबंतुम हो जाता। शुद्ध अशुद्ध लिखना था। पुरातन काले गंगा तीरे एक आश्रम आसीत, इसमें शुद्ध लिखना था। अद्य रही वासले, अशुद्ध लिखना था। पुरुषा हस्तेन कार्यम न करोति, अशुद्धम। शिक्षिका सुधा खंडेन लिखति, शुद्धम हो जाता। लवणम बिना पाकम न शोभते, अशुद्धम हो जाएगा। आरक्षिका आरक्षिका सैनिका, सैनिक हो जाता इसका अर्थ। अधुना अधुना का विपणी साकानी आगत, इनके भी उत्तर लिखने थे। संस्कृत शब्द लिखना था। दुकान को क्या बोलते हैं? भगनी को, आटा को, घड़े को। एक बार संधि विच्छेद छायान मन्यस्य, तो छाया छाया धन अमन्यस्य हो जाता इसका। फलान्यपि फलाधन फलधन अन्यपि हो जाता। जन्मधन दिनो स इत्यादि का इति धन आद्या प्रत्यागतवंता प्रतिधन आगतवंता। पाठ्यपुस्तक एक श्लोक लिखना था। एतेषां भविष्यवाणी वाक्यानि लिखत। सतीसा रामायणं पठति, सतीसा रामायणं पठिष्यति, इसलिए इसमें भी करिष्यति हो जाता। नमस्यति पिबस्यति उपविशति त्याजस्यति, ये हो जाता इनमें। आठवां क्वेश्चन था, सारांश मातृभाषा में लिखना था। धीरा बालका भगना पिष्ट घटा। अधोलिखित नौवें क्वेश्चन में, अधोलिखित कृतवतु प्रत्यवान शब्द रचना करो तो। कृत कृतवान, पठ का पठित, पठितवान, खाद खादितवान, आग आगमिष्यति, क्रीडन क्रीडयत क्रीडतवान, नम का क्या हो जाएगा? नमस्यतु, ये हो जाएगा। ये खाली स्थान आए हुए थे। पहले विश्वासस्य, दूसरे में धीरस्य, रामायणस्य, विद्यालयस्य, लेखनस्य, अंजनीयस्य, ये लिखना था। ये वाक्य रचना की करना था। नीना जलम बिना न जीवति, वाहन ईंधनम बिना न गच्छति, जनाः सूर्यः बिना न जीवन्ति, मानव धनम बिना न जीवन्ति, संस्कृति संस्कृतम बिना न जीवन्ति, सैनिकः पादरक्षाम बिना न जीवति, ये लिखना था। बारहवें क्वेश्चन में था कि अत्र वाक्यद्वयम् लिखितम् अस्ति, तत्र तत् उदाहरणानुसारम् एकम् वाक्यम् कृत्वा, एक वाक्य लिखना था। ये क्वेश्चन दिए हुए थे। तेरहवां में एतेषां प्रश्नानामि उत्तराणि लिखत, ये उत्तर लिखना था।